Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, The Side Priya Singh. So, winter series के आज second episode में मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ winter wedding makeup tutorial. So, इसे start करने से पहले हम लोग skin prep करेंगे. So, मैंने already अपने face को wash कर लिया था with the help of face wash. अच्छे से अपने face को dab dab करके उसके बाद मैं use कर रही हूँ rose water as a toner. मैं इसे थोड़ा सा amount spray करूँगी and इसे अपनी skin में absorb होने दूँगी. Toner आपके skin के pores को shrink करता है and आपके face को एकदम hydrating बना देता है. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल का एक लेयर अप्लाई करने वाली हूँ. ये आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा एंड इसे अच्छे से मैं अपने फेस एंड नेक एरिया पे ब्लेंड कर लूँगी. आफ्टर दैट आई विल यूज़ दिस VLCC सनस्क्रीन, क्योंकि ये एंगेजमेंट मेकअप लुक है तो मॉर्निंग टाइम में हम लोग जाने वाले हैं एंड दैट्स वाई मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ. आप अगर नाइट टाइम में कर रहे हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो. सो मैं इसे प्रॉपरली अच्छे तरीके से अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस एंड नेक एरिया पे. ब्लेंड होने के बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस निव्या लिप बाम एंड आफ्टर दैट अपने हैंड्स को एंड बॉडी को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करना ना भूलें, तो यहाँ पे मैं बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ. सो 5 मिनट्स तक स्किन केयर प्रोडक्ट्स पेनिट्रेट होने दीजिए, तब तक मैं चेंज कर लेती हूँ एंड टेंटेड है. सो यहाँ पे मैंने एंगेजमेंट ड्रेस में चेंज कर लिया है. नाउ फर्स्ट स्टेप इज़ प्राइमर. तो यहाँ पे मैं पर्पल का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. ये मेरे पोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल इन करता है एंड मेरी स्किन को एकदम बटर जैसा स्मूथ बना देता है. सो दैट कि जो मेरा फाउंडेशन जब मैं अप्लाई करूँगी ना, तो मेरी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगी. इसे 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे मेबेलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. शेड मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. सो यहाँ पर मैं एक्चुअली एंगेजमेंट में जस्ट जाने वाली थी एंड देन आई थॉट कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ ये मेकअप ट्यूटोरियल भी लाइव शेयर कर दूँ. सो मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग भी शेयर करूँगी, आप वीडियो के एंड में पक्का से उसे देख लेना. विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर मैं इस फाउंडेशन को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस एंड नेक एरिया पर. मैंने बहुत ही ज़्यादा ओवर नहीं किया है क्योंकि ये डे टाइम पार्टी है, आप नाइट टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा सकते हो. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा कंसीलर यूज़ नहीं करने वाली क्योंकि मुझे डार्कनेस का उतना इश्यूज़ नहीं है, बट थोड़ा सा अपने फेस को हाईलाइट देने के लिए मैं अंडर आईज पे नोज़ एंड माउथ के अराउंड थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. एंड अगर आप विंटर सीजन में मेकअप करते हो तो मेक श्योर कीजिए कि अपनी स्किन को अच्छी तरीके से प्रेप कीजिए, तभी आपका बेस फ्लॉलेस बनेगा. उसके बाद मैं यहाँ पे फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ. विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं अच्छे तरीके से अपने फेस को डैब डैब कर लूँगी सो दैट कि मेरा जो फेस है वो प्रॉपरली सेट हो जाए एंड आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल भी केकी ना लगे. विंटर मेकअप में मेक श्योर कीजिए कि आपको अपने बेस को फ्लॉलेस बनाना है सो दैट कि आपका मेकअप काफ़ी टाइम तक स्टे करके रखे. आफ्टर दैट आई विल यूज़ दिस स्विस ब्यूटी सेटिंग स्प्रे. इसे अच्छे से स्प्रे कर लीजिए सो दैट कि आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा एंड साथ ही साथ आपका मेकअप एकदम स्टे करके रखेगा एंड अच्छे तरीके से आपके फेस में सेट हो जाएगा. आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी पैलेट ले रही हूँ एंड इसका ब्राउन ट्रांजिशन शेड यूज़ करके आई मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ. तो फर्स्टली मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ ब्राउन आई शेडो से अपने मेकअप को क्रिएट करूँगी. देन मैंने सोचा कि क्यों ना जब मेरी जो ड्रेस है पीच काइंड ऑफ, उसी काइंड ऑफ पिंकिश शेड मैं चूज़ करती हूँ, तो उसी पैलेट का एक पीच प्लस पिंकिश काइंड ऑफ शेड था, मैंने उसे चूज़ किया एंड देन उसी ब्राउन ट्रांजिशन शेड के ऊपर मैंने इस अच्छे तरीके से ब्लेंड किया. आप कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप फॉलो कीजिए, क्योंकि विंटर्स में जो आपका आई मेकअप होता है ना वो काफ़ी टाइम तक सेट होकर रखता है, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है. तो आप विंटर्स टाइम में इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, अपने आई मेकअप को थोड़ा सा बोल्ड लुक दे सकते हो. देन उसी पैलेट का गोल्डन शिमर शेड लेके मैं इसे अपने इनर कॉर्नर आई लिड पे ब्लेंड कर लूँगी. इससे आपका जो आई मेकअप है ना वो एकदम कंप्लीट हो जाता है एंड आप लोग देख सकते हो कलर्स के साथ मैंने कितना अच्छे तरीके से प्ले किया है. नाउ आई विल यूज़ दिस फेसेस कैनेडा ब्लैक जेल लाइनर. सो मैं इसे अच्छे तरीके से अपने आईज़ के अराउंड अप्लाई कर लूँगी. आप विंग लाइनर भी बना सकते हो, बट मैंने अभी तक विंग लाइनर बनाना नहीं सीखा है, सो दैट्स वाई मैं नॉर्मल जो लाइनर अप्लाई करते हैं ना वैसे ही मैंने अप्लाई किया है. उसके बाद मैं यहाँ पे मेबेलिन का येलो वाला मस्कारा यूज़ करूँगी. सबसे पहले मैं येलो वाला मस्कारा अप्लाई करूँगी एंड देन उसके बाद वाटर प्रूफ
पर्पल मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ। इससे क्या होगा, दोनों मस्कारा से आपके जो लैशेज है वो काफ़ी अच्छे से कर्ल हो जाएंगे। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे स्टे कोकी का ब्राउन आईब्रो पेंसिल्स की हेल्प से अपने ब्रोज को अच्छे तरीके से शेपन दे दूंगी, सो दैट कि मेरी ब्राउज भी काफ़ी अच्छे तरीके से एजी लुक आए। एंड यहाँ पर मैं शुगर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, शेड नंबर में मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, ऑरेंजी शेड में, बहुत ही अच्छा लुक भी देता है। तो मैं इसे अपने पूरे चीक्स पे एंड अपने नोज़ एरिया पे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लफ़ी ब्रश। ये मेरा जो मैंने ब्लश का ब्रश रखा है ना, उसी से मैं हमेशा अपने फेस पे ब्लश अप्लाई करती हूँ। लास्ट स्टेप इज लिपस्टिक, तो आई विल यूज़ दिस इन साइट जॉयफुल शेड ब्राउनिश काइंड ऑफ लिपस्टिक। तो ऑलरेडी मेरा आउटफिट काफ़ी ज़्यादा हैवी था, मैंने आई मेकअप भी थोड़ा सा बोल्ड लुक कर दिया था, तो आई थॉट कि लिपस्टिक को मैं थोड़ा न्यूड काइंड ऑफ रखूँ, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ब्राउन प्लस न्यूड शेड का जो कॉम्बो जॉयफुल करके शेड है उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे अच्छे तरीके से अपने लिप्स पे ब्लेंड कर लूँगी, एंड ये एक मैट लिपस्टिक है तो काफ़ी टाइम तक स्टे करके भी रखती है मेरे लिप्स पे, एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स माई होल फेस। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एल्फ का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, एंड इसका मैं वाइट कलर का हाईलाइटर शेड लेके इनर कॉर्नर पे एंड अपने चीक बोन्स पे, नोज एरिया पे अच्छे तरीके से हाईलाइट करने वाली हूँ। मेरे पास हाईलाइटर था बट मैं मुझे उस टाइम पे मिल ही नहीं रहा था, एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि ये मैं लाइव मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही थी क्योंकि इसके जस्ट बाद मुझे इंगेजमेंट अटेंड करनी थी, सो आई वाज इन अ हरी, सो दैट्स व्हाई मैंने उसी आई शेडो पैलेट का यूज़ करके एज अ हाईलाइटर इसे यूज़ कर लिया। देन मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ एक गुड अमाउंट में, एंड इसे ड्राई होने दूंगी, एंड ड्राई होने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लूँगी सो दैट कि मेरा मेकअप अच्छी तरीके से स्टे करके रखे काफ़ी टाइम तक। एंड हियर इज माई फाइनल लुक, सो एज यू कैन सी कि मैंने मेकअप कंप्लीट कर लिया है बट स्टिल देर इज़ समथिंग इनकम्प्लीट विच इज़ ऑफकोर्स ज्वेलरी। तो यहाँ पे मैं ड्रेस के अकॉर्डिंग सिल्वर ज्वेलरीज वेयर करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये सिल्वर कलर के झुमके तो नहीं कह सकते, ये मैंने इयररिंग्स परचेज की थी ऑफलाइन, तो लिंक्स प्रोवाइड नहीं कर सकती बट ये काफ़ी ज़्यादा फेदरी काइंड ऑफ है। एंड सिल्वर कलर का मैंने ब्रेसलेट पहना है एंड सिल्वर कलर की डायमंड रिंग भी पहनी है, एंड मेरा मेकअप लुक यहीं पे पूरा कंप्लीट होता है। सो होपफुली आपको ये मेरा मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा हो, ये विंटर्स में काफ़ी टाइम तक स्टे करके भी रखता है, एट द सेम टाइम आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट मेकअप ट्यूटोरियल है स्पेशली फॉर वेडिंग एंगेजमेंट, क्योंकि तो हम लोग अभी कैब में बैठ गए हैं और उसके बाद वेन्यू पे पहुंचने वाले हैं जल्दी से। तो हम लोग वेन्यू पे आ गए हैं, यही है ना सत्य शिव रिसोर्ट्स। हाँ तो मम्मी भी बहुत प्यारी लग रही हैं, प्रिंस आ रहा है। फाइनली हम लोग वेन्यू पे आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी, तो मैं अंदर का सब कुछ सीन दिखाऊंगी आपको। तो मैंने सोचा कि पहले की फिर हम लोग जा रहे हैं, तो पहले मैंने सोचा कि सिर्फ आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँ, देन आई लेटर रियलाइज्ड कि चलो मैं ब्लॉग भी शेयर कर लेती हूँ एंड यहाँ के थोड़े बहुत ग्लिम्स शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मम्मी भी सुन लगी है और मेरे, चलो चलते हैं। गाइस मैं वेन्यू पे पहुंच गई हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें खा भी ली है स्नैक्स में, एंड चलो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ अपनी बचपन की फ्रेंड से जो जिसकी शादी हो गई है जिसका नाम रूबी है। मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, मैं क्या दूँ, हाय एवरीवन, देखो उसको अपनी सब्सक्राइब कर देना, मैंने बहुत पहले ही कर दिया था शादी से पहले ही, 1 ईयर हो गया है मुझे,
देखो इसने सब्सक्राइब किया तो तुरंत शादी भी हो गई। हाँ तो आपका गुड लक चालू हो जाएगा। और आज इन्हीं के भैया की शादी है, मतलब शादी सॉरी एंगेजमेंट है जिसे हम अटेंड करना है। तो चलो फोटो थोड़ा क्लिक कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ और ग्लिम्स शेयर करती रहूँगी। यहाँ चेयर आएगी ना? अच्छा ये बीच में आएगा ना बडीज। तो गाइज मम्मी वहाँ बैठी हैं और डेकोरेशन देख सकते हैं आप लोग, और हम लोग यहाँ सोफा पे बैठे हैं वेटिंग कि दुल्हा दुल्हन आए। तो हम लोग बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है। दुल्हा आ गया है, वो देख सकते हैं आप लोग येलो कुर्ता में। येलो कुर्ता बॉय दुर्गेश भैया फाइनली गेटिंग मैरिड, मतलब आज तो एंगेजमेंट है। सो मैं घर पे आ गई हूँ और देख सकते हो आप लोग मेरा मेकअप एकदम बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है, एंड स्टार्टिंग से लेके अभी तक एकदम जैसा था वैसा ही है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा लाइक रिमूव हुई है, वो ही है ये लिपस्टिक, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक है ऑब्वियसली इस बात है, कुछ भी ऑयल या फिर फ्लूइड्स पीने थे तो हट ही जाएंगे। और यहाँ पे मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई फील कर रही है, तो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र आप प्लीज़ मस्ट लगाइए विंटर्स टाइम में। एंड और सब कुछ तो कुछ नहीं है, सब कुछ बराबर है। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग काइंड ऑफ और मेकअप ट्यूटोरियल। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करना मत भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।